भिवंडी के आनंद होटल के सामने एक ऐसी घटना घटी जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे, साथ ही साथ हैरान भी होंगे। ये सब घटनाएं हमें दिल्ली, मुंबई, यूपी जैसे शहरों में सुनाई या दिखाई देती थी, लेकिन अब भिवंडी भी ये घटनाओं का शिकार होते दिखाई दे रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी घटना। घर पे जा रहे थे अम्मी से मिलने, तो भीड़ के जैसे गाड़ी ट्रैफिक हो गई तो गाड़ी स्लो हो गई। अब वो चलती गाड़ी में, स्लो गाड़ी में अंदर घुस गया, मेरी वाइफ के आंग पे बैठ गया और हरकत करने लगा, दुपट्टा उपट्टा खींचा और गलत हरकत करने लगा। मैं बोला भाई तेरे को लेडीज नहीं दिख रही क्या, उतर गाड़ी में थे। तो दो जन मेरे को निकाल के रिक्शे में से मारने लगे, तो मेरी वाइफ छुड़ा रही थी उसको दो कानपड़ मार दिए। अब मेरी दीदी को फ़ोन लगाई, उसने मोबाइल उसके पास था, मेरी दीदी को लगाई, मेरी दीदी आई तो बात करने लगे तो और मारने लगे, मतलब वो लोग मेरे को मेरी दीदी को मारने लगे। जुम्मा का दिन था, मेरे भाई की रिक्शे में ज़बरदस्ती घुस के, ट्रैफिक था तो रिक्शा रुकी थी, तो मेरी भाभी के साथ गलत हरकत कर रहे थे, बुरखा खींच रहे, अंदर हाथ डाल रहे, दुपट्टा खींच रहे। मेरा भाई लोग को धक्का मार के बाहर निकाला, तो मेरे भाई को चार पांच लड़के पकड़ के बहुत मारे। तो मेरी भाभी मेरे को फ़ोन करी, मैं वहाँ पहुँची जैसा मैं वहाँ पहुँची, लोग बोल रही क्यों मारे मेरे भाई को, क्यों मार रहे। पीछे से और चार पांच लड़के आके मेरे को घसीट के, वो ब्रिज आता है ना, ब्रिज के नीचे वो जो छोटा छोटा ब्लॉक लगा है उसमें सर टकरा रहे थे, मेरे को नीचे ऊपर मारे, मेरी ब्लीडिंग चालू हो गई थी, तो इतना मार पीट के भी छोड़ रहे थे। सिर्फ तीन थे लेकिन मारने वाले बहुत थे, उसमें से दो नशे में थे। जब लड़कियां रिक्शे में सुरक्षित नहीं, कहीं सुरक्षित नहीं, ये गांजा पी रहे, बटन खा रहे, नशा कर रहे, तो आम लड़की किधर जाएगी, अपने पैर पे अपने बाल बहन भाई को संभालेगी, जो करेगी। तो आप आजकल लड़की किधर भी सुरक्षित नहीं है, जो भी है। तो आज जो मेरे साथ हुआ ना, मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ ऐसा कुछ हो। आज जो मेरा हालत है ना, अगर मेरे को कुछ हो गया, मेरे दो बच्चे और वो लावारिस हो जाएंगे, कल किसी और का घर लावारिस होगा, तो ये सबको रुकाइए, मेहरबानी करो तुम लोग सब। मैं पुलिस वाले लोग, जितने भी शहर के दस्त लोग हैं, जितने भी जो भी आप सबसे बड़े लोग हैं, आप सबसे गुजारिश है मेरी कि नशे के बारे में कुछ फैसला लीजिए, नहीं तो ये आम लड़कियां, आम परिवार बेघर हो जाएगा।